स्टूडेंट्स, आज हमें करना है पेज नंबर 91। ये है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़, और प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो सिंगुलर सिंगुलर में कोई एक चीज़ हो तो वो सिंपल ही दिखाई जाती है, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा है तो पीछे एस लगता है। बर्ड, वन बर्ड, बर्ड, एंड यहाँ पे थ्री बर्ड्स है तो यहाँ लिखते हैं बर्ड्स, पीछे एस लग जाएगा। वन बॉय है तो बॉय, और यहाँ पे फोर बॉयज़ है तो बॉयज़, पीछे एस, बॉयज़। ठीक है, वन बॉल है बॉल, और टू बॉल है तो बॉल्स। वन एंट है तो एंट, और ज़्यादा है तो एंट्स। ठीक है, तो ये वन एंड मैनी, ये है वन और ये है मैनी। ठीक है, फिर से बर्ड, बर्ड्स, बॉय, बॉयज, बॉल, बॉल्स, एंड, एंड्स। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट है बेल, तो बेल्स, बर्ड, बर्ड्स, कार, कार्स, केप, केप्स। तो ये वन और ये है मेनी, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, अभी यहाँ है सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पिक्चर दिए गए हैं, वो देख के हमें यहाँ पे सर्कल करना है कि कौन सा स्पेलिंग राइट है। वन एप्पल है तो यहाँ दो स्पेलिंग है, एप्पल एंड एप्पल्स। वन है तो एप्पल, टू और टू से ज़्यादा हो तो एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ वन एप्पल है तो एप्पल में सर्कल किया है। यहाँ टू बेल तो बेल्स, बेल्स को सर्कल करेंगे। यहाँ थ्री ओरेंजेस है तो ओरेंजेस। बॉल, वन बॉल है तो बॉल। फ्लावर्स, फोर पिक्चर्स है तो फ्लावर्स। ठीक है, तो आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। ठीक है, अभी आपको पीछे एक्टिविटी बुक में आना है, उसमें पेज नंबर 26 पे सेम वर्क है। टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स, पिक्चर दिए गए हैं, दो वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से जो राइट वाला वर्ड्स है उसे हमें टिक करना है। यहाँ पे कितने ट्रीज है, टू, तो ट्री आएगा कि ट्रीज, ट्रीज आएगा तो हम ट्रीज को टिक करेंगे। यहाँ वन टू थ्री, थ्री कैप है तो कैप के कैप्स क्या आएगा, कैप्स। ठीक है, यहाँ गर्ल है, वन है तो गर्ल की गर्ल्स, गर्ल, गर्ल को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कार, तो वन कार है तो कार की कार्स, यहाँ आएगा कार। फिर बॉय, वन पिक्चर है तो बॉय की बॉयज, बॉय। ये है काइट, काइट की काइट्स, वन पिक्चर है तो काइट। देन बैग है, टू पिक्चर है तो बैग्स। बॉल कितने हैं, टू तो बॉल्स। ठीक है, तो ये है आपका टेक्स्ट बुक का वर्क। अभी हम नोटबुक के वर्क में जा रहे हैं। नोटबुक में आपको हेडिंग देना है, वन और मैनी, फिर डेट और डे, फिर आपको स्पेलिंग लिखने हैं। पेन, बैग,
tree, pin, jog, dog, cat, cow, book. ठीक है, अभी इसके सामने आपको many, ये सब वन वन है, ठीक है, वन सिंगुलर नाउन है. अभी आपको इसको प्लूरल में ट्रांसफ़र करना है. पेन, तो पेन्स आपको लिखना है, ठीक है, इसका आंसर. बिग, बैग्स. ट्री, ट्रीज. पिन, पिन्स. पीछे सिर्फ एस लगाना है. ये पूरा का पूरा स्पेलिंग सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है और पीछे एस, ठीक है, ऐसे सारे ये स्पेलिंग्स लिखने हैं. फिर आपका आएगा ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स हमने एक बार पूरे पेज में एक एक लिखे हैं. अभी आपको मैच करने हैं जो हमारे ऑपोजिट वर्ड्स है वो, ठीक है. तो मैं यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स लिख के दे रही हूँ, फिर मैच आपको अपने आप करना होगा, ठीक है. ऑन ट्राई, फिर हॉट, अप, इन. अभी इसके सामने इसके आंसर जो है वो ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है. सबसे पहले लिखते हैं कॉल्ड, फिर आउट, वेट, ऑफ एंड डाउन, ठीक है. तो आपको ये सही से मैच करना है. ऑन मतलब चालू, और इसका ऑपोजिट आएगा ऑफ. ड्राई, ड्राई का आएगा वेट. ड्राई मीन्स गीला, वेट मीन्स सूखा. हॉट, हॉट मीन्स गरम, तो इसका ऑपोजिट रहेगा कोल्ड, ठंडा. अप, अप मतलब ऊपर, और डाउन इसका ऑपोजिट रहेगा डाउन, नीचे. इन, इन मीन्स अंदर, ऑपोजिट रहेगा आउट, बाहर, ठीक है. अभी इसके साथ दो ऑपोजिट हम और ऐड कर रहे हैं जो हमने टेक्स्ट बुक में किया है, ठीक है. एक है क्लोज. क्लोज मतलब जो डोर विंडो जो रहता है वो बंद करना, और एक दूसरा है नियर. नियर मतलब पास में, और इनके ऑपोजिट है फार और ओपन, ठीक है. नियर मतलब पास में, तो इनका ऑपोजिट फार, दूर. क्लोज, क्लोज मीन्स बंद, और ओपन मीन्स खुला. ये बंद और खुला, ये ऑन और ऑफ, चालू और बंद, ठीक है. तो आपको ये ऑपोजिट मैच करने हैं, और वन और वन एंड मेनी ये आपकी नोटबुक में लिखने हैं. और आपका जो भी वर्क हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो जो भी टीचर का वीडियो आया है, जो भी सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट टीचर को आपको फ़ोटो भेजना है, ताकि वो टीचर चेक कर सके, ठीक है.